तो हम किसको देखेंगे, आपका एक तरह का लीवर को देखेंगे, ठीक है। लीवर हमारा कवर हो गया, लंग्स हमारे कवर हो गए, आगे पीछे क्या रह गया, आगे रह गया गाल ब्लैडर। जब फॉर एग्जाम्पल आपके गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है ना, जब भी स्टोन बन जाता है, आपने कई जगह पर सुना है कि हाँ जी जनाब मेरे पित्ते में पथरी है, वो कई बंदे कहते हैं मेरी माँ जी के पित्ते में पथरी है, ठीक हो गया। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि पित्ते के अंदर जो पथरी होती है उसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक हो गया। कोली लिथियासिस कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह का कोली लिथियासिस कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को पित्ते के अंदर पथरी पड़ गई या गाल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का कोली लिथियासिस। टेंशन नहीं लेनी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट है तो उसके अंदर कोली लिथियासिस क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये इन्फेक्शन हो जाती है, इसको इन्फेक्शन हो जाती है गाल ब्लैडर को, ठीक हो गया, किसी ना किसी तरह के गाल ब्लैडर के जो सेल्स हैं वो एक तरह के डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये क्या होगा, इसकी पेन होगी, यहाँ पर पेन होगी कि नहीं होगी जब यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। शाबाश, ये बताइएगा, इसकी वजह जब इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का कोलीसिस्टाइटस, क्या कहते हैं, एक तरह का कोलीसिस्टाइटस, ठीक हो गया। आपने कहना कोलीसिस्टाइटस की वजह से जो पेन होती है, सॉरी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अगर फॉर एग्जाम्पल गाल ब्लैडर की किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इंजरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का कोलीसिस्टाइटिस कहते होते हैं, ठीक है, कोलीसिस्टाइटिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तीन चीजें हमारी कवर हो गई। अब आगे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज आगे आ जाती है जनाब आपकी, कि एक तरह का गाल ब्लैडर के इश्यूज, क्योंकि हमने और सॉरी बाइल डक्ट के इश्यूज, क्योंकि हमने बाइल डक्ट के इश्यूज तो अभी देखे नहीं है कि बाइल डक्ट के कौन से इश्यूज हैं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका लीवर है, ठीक हो गया, ये लीवर है, लीवर के साथ ये जनाब आपके एक तरह का स्प्लीन ऐसे पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि राइट हिपैटिक डक्ट होती है, ये आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, और जनाब यहाँ से आपकी एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट, ठीक हो गया। जो सिस्टिक डक्ट होती है वो जनाब ऐसे निकलती है, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले क्या कहना है, यहाँ पर एक डक्ट होती है जिसका नाम कहता है राइट हिपैटिक डक्ट, यहाँ पर एक डक्ट होती है जो लीवर से निकलती है उसका नाम कहता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स आपस में मिलती हैं और क्या बना देती हैं, आपकी एक तरह की कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये मिलके आपकी क्या बना दी, एक तरह की कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक हो गया। अब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर आपकी ये सिस्टिक डक्ट ऐसी आती है, ठीक हो गया, और जब ये सिस्टिक डक्ट आपस की इस तरह मिल जाती है तो ये डक्ट का एक और नाम हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या होता है आपका, कॉमन बाइल डक्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो आपका राइट वाला लोब होता है यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम होता है राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से जो डक्ट निकलती है उसका नाम होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब ये दोनों राइट और लेफ्ट वाली दोनों आपस में मिल जाती है तो इसको हम कहते होते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गाल ब्लैडर की डक्ट आपके कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिल जाए तो इसके बाद आपकी जो डक्ट बनती होती है उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने फुल आपको समझाया था कि अगर यहाँ पर आपके पथरी है, यहाँ पर आपके स्टोन है, ठीक हो गया, तो अगर ये गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से जो स्टोन होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, शाबाश, ये बताएं, यहाँ पर मूव करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा, सिंपल सी बात, करता जाएगा। जब आपका ये स्टोन आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ सकता है। और वो कंडीशन जब आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ जाए उसको हम कहते होते हैं कोलीडिकोलिथियासिस, क्या कहते हैं, एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस कहते हैं। अब देखें अगर ये स्टोन साइज में बड़ा है, अगर ये स्टोन जो है वो साइज में बड़ा है, तो आप लोगों को पता है कि ये जो स्टोन होगा ये कॉमन बाइल डक्ट को एक तरह का तंग करेगा,
इसको इरिटेट करेगा। जब आपका ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को इरिटेट करेगा, यहाँ पर ये तंग करेगा इसको, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसको हम कहते होते हैं कोलेंजाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलेंजाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेरी बात गौर कर लीजिए। इस बार आपके पीएमसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कोलेंजाइटिस, कोलिडिकोलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, ये चार छोटे टॉपिक हैं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, मैं सिर्फ अभी फुल डिटेल वाले टॉपिक्स की तरफ तो जा नहीं रहा, ये आगे एक एक टॉपिक को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो अभी मैंने टॉपिक्स बोले, इस चार टॉपिक्स के अंदर एक स्टूडेंट को आपके 10 MCQs आए हुए थे। तो ये पीएमसी ऐसे करती है, समझ आ रही है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये चार छोटे से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर 10 MCQs आए हुए थे, ठीक है? तो अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि जब आपका एक तरह का जो स्टोन जो है वो बाइल डक्ट के अंदर होगा तो हम इसको क्या कहते होते हैं। शाबाश, हाँ जी, इसको हम क्या कहते होते हैं? जब आपका ये जो स्टोन है वो आपकी गाल ब्लैडर के अंदर है तो इसको हम क्या कहते होते हैं? मेडिकल टर्म बताएं जी, इसको हम क्या नाम देंगे? जल्दी करें, जल्दी करें, इसका नाम क्या होता है? ये लीक कोलीलिथियासिस कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीलिथियासिस, नहीं कोलीलिथियासिस, नॉट अ कोलीडिकोलिथियासिस। ये हम क्या कहते हैं? एक तरह का, जब ये गाल ब्लैडर के अंदर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ये देखें, गाल ब्लैडर के अंदर होगा तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का कोलीलिथियासिस। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जब इसकी क्या हो जाएगी? एक तरह की इन्फ्लामेशन हो जाएगी गाल ब्लैडर की, तो हम इसको क्या कहेंगे? कोलीसिस्टाइटिस कहेंगे, ठीक हो गया? अब जब ये गाल ब्लैडर इधर से चल के आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा, जब आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा तो तब इसको हम क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे कोलीडिकोलिथियासिस। क्या कहेंगे? एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस, ठीक हो गया? अगर फॉर एग्जांपल इसकी वजह से आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कोलेंजाइटिस। क्या कहेंगे? एक तरह का कोलेंजाइटिस कहेंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल में अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में अगर किसी बंदे को पेन होती है तो क्या होता है। अब मैं सारा एक तरह का दोबारा लिखने लगा हूँ राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन को, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं। मुझे ये बताएं कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर हम किन किन ऑर्गन को चेक करेंगे? नंबर वन, शाबाश, जल्दी में बताते हैं। हाँ जी, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर किन ऑर्गन को देखेंगे? सबसे पहले आपके लंग्स को देखेंगे, अच्छा जी। उसके बाद हम नंबर टू किसको देखेंगे जी? आपके एक तरह के लीवर को देखेंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे? आपके क्या कहना है? एक तरह का गाल ब्लैडर को देखेंगे। उसके बाद हमने किसको देखना? आपकी एक तरह की बाइल डक्ट को देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें, मुझे आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल लंग्स की जब क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा आ सकता है, ये बताएं। लंग्स के अगर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के साथ सांस का इशू आ रहा है और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? आपने कहना है निमोनिया। क्या कहना है? आपने एक तरह का निमोनिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये लिखते जाइएगा, क्योंकि अब मैंने ये बता दिया था, मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, लीवर के बारे में मुझे ये बताएं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक तरह का अक्यूट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है जी, ठीक हो गया, नंबर वन। प्लस हेपेटाइटिस के साथ और कौन सी हो सकती हैं? एक तरह का मतलब कि हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा, अगर वेट कम हो रहा है और उसके बाद जनाब आपका फॉर एग्जांपल बंदे को भूख नहीं लगती तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन है तो आपने कहना हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा। नंबर थर्ड कौन सा हो सकता है? नंबर थर्ड जो पॉइंट आपने लिखना है वो क्या होता है? आपका हिपेटोमिगैली, जी साइज जो होता है वो साइज इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया। नंबर उसके बाद आगे क्या होता है जी? आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीवर के अंदर और कौन कौन सी चीजें, सॉरी लीवर के ये तीन चीजें जो आपको मेन पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। गाल ब्लैडर के अंदर कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए जी? गाल ब्लैडर के अंदर जो मेन आपको चीजें पता होनी चाहिए वो क्या होती है? एक तरह का मतलब कि कोलीलिथियासिस, ठीक हो गया। प्लस आपका क्या होता है? एक तरह का कोलीसिस्टाइटिस, क्या होता है? एक तरह का कोलीसिस्टाइटिस। प्लस आपका क्या होता है? कोलीडिकोलिथियासिस, क्या होता है? कोलीडिकोलिथियासिस, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं और कोलेंजाइटिस, क्या आपका कोलेंजाइटिस। ये फोर डिजीजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सॉरी यार, ये इसके अंदर दो नहीं आएंगी, ये आएंगी आपके यहाँ पर, ठीक हो गया। कौन सी? कोलीडिकोलिथियासिस और कौन सी आपकी? एक तरह की कोलेंजाइटिस, ठीक होगा। ये आपकी दो इससे इसके अंदर आ जाएगी। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में अब राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर अगर कोई भी आपके पास कोई पेशेंट आता है वो कहता है कि हाँ जी जनाब मेरे यहाँ पर एक तरह का राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन हो रही है, वहां पर हाथ लगाता है और आपको लगता है कि इसका राइट हाइपोकोंड्रिक वाला रीजन है, तो आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है या तो ये फेफड़े का मसला है जनाब साहब, या तो ये लीवर का मसला है, या ये गाल ब्लैडर का मसला है, या फिर ये बाइल डक्ट का मसला है। आगे ये जो एक एक मसले मैंने लिखे हुए हैं ना, ये टेंशन ना ले, ये हम फुल डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आगे जाकर फुल डिस्कस करेंगे। ये आपने प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
अब हम जो आपका पार्ट डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है आपका, अब हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा आपका? एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक होगा जी, एपिगैस्ट्रिक रीजन को देखेंगे। तो देखें जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें जो मेन आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जो चीज आ रही होती है वो आता है आपका इस तरह मैदा शरीफ, ये इस तरह मैदा आ रहा होता है, ठीक होगा, ये स्टोमिक आ रहा होता है। नंबर वन, एक आपका स्टोमिक आ गया, ठीक हो गया, तो आपको पता चल गया अगर फारिक। दूसरा क्या आता है? दूसरा यहाँ पर आपका आ रहा होता है आपका हार्ट। जब आप देखते हैं ना कि आपका हार्ट जो होता है वो मेडियास्टिनम के अंदर होता है, देखें फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, बहुत ये सिंपल चीजें हैं और इजी चीजें हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का आपका लंग्स आ रहा होता है, ऐसे लंग्स का लोब आ रहा होता है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर आपका लंग्स आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा सोच के बताएं शाबाश, जो आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसमें लंग्स आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर भी आपका लंग्स आ जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ पर भी लंग्स आ गया। तो देखें आप लोगों को, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ी हो, आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ जी जनाब, आपके जो लंग्स होते हैं दोनों लंग्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, उस स्पेस का नाम क्या होता है? मेडियस्टिना। आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर दोनों लंग्स होते हैं उनके दरमियान में, एनाटॉमी की बिल्कुल चीज है, इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का मेडियस्टिनम कहते हैं, ठीक हो गया। मेडियस्टिनम के अंदर आपका क्या आता होता है? आपका एक तरह का हार्ट आता है, ठीक हो गया। तो आपका जो हार्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझे, ये आपका इस तरह हार्ट आ रहा है, ठीक होगा। हार्ट का जो लोअर लोब होता है ना, ये इन्फीरियर लोब, यानी कि जो इन्फीरियर पार्ट होता है, ये देखे नीचे वाला पार्ट है, ये आपका क्या, एक तरह का दिल शरीफ है, जैसे भी इसको कबूल करें, मतलब कि जिस तरह भी लिखा गया है, किस तरह का भी हिसाब डायग्राम के अंदर, मेन मकसद है समझाना, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आपने ये कहना है कि ये जो हार्ट होता है उसका जो इन्फीरियर वाला हिस्सा, ये कहाँ पर आ रहा है? एपिगैस्ट्रिक रीजन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, आ रहा है। दूसरा क्या है? मेदा साहब आ रहा है। तो आपने ये बताना है कि ये दो जो चीजें होती हैं, ये और नंबर थर्ड क्या है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन के साथ आपने एक एनाटॉमी के अंदर ये भी चीज पढ़ी होगी कि देखें यहां से आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे शुरू होती है ना, इस तरह यहाँ पे आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक हो गया। तो जहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उसके बिल्कुल ऊपर आपका क्या लगा होता है? हेड ऑफ पैंक्रियाज ऐसे लगा होता है, बिल्कुल ऐसे क्या लगा होता है, एक तरह का हेड ऑफ पैंक्रियाज लगा हुआ होता है। कभी आपने गौर किया हो, मतलब कि अगर आप बिल्कुल बेसिक की तरफ जाएं, एनाटॉमी की तरफ जाएं, तो आपके ये कंसेप्ट इंशाल्लाह कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका स्टोमिक होता है, स्टोमिक जो है इसके बिल्कुल यहाँ पर जो होता है आपका, आपका पैंक्रियाज आ गया, उसके बाद आपका मैदा आ गया, उसके बाद क्या आपका हार्ट आ गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल देखें हम, तो आपके जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर कितने ऑर्गन आ रहे हैं? शाबाश, ये बताएं जी, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपके कितने ऑर्गन आ रहे हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपके कितने ऑर्गन आ रहे हैं जी? एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें आपके तीन तरह के ऑर्गन होते हैं। कौन से तीन तरह के ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले नंबर वन आप लोगों ने बताना है कि आपका जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, क्या होता है आपके, एक तरह का हार्ट। नंबर टू आपने जो बताना है वो बताना है आपका स्टोमक। नंबर थर्ड जो आपने बताना है वो बताना है आपने एक तरह का पेंक्रियास। क्या बताना है आपको? एक तरह का पेंक्रियास। अच्छा जी, अब हम इसको और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये देखना है कि एक तरह का हमारे पास, जैसा कि एपिगैस्ट्रिक वाला बंदा है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो जनाब आता है हमारे पास, उसको सीवियर क्रशिंग पेन है चेस्ट की तरफ जो कि रेडिएट कर रही है बाजू की तरफ, और उसको जो पेन हो रही है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रही है, तो आपने क्या कहना है? आपने ये नहीं कहना कि ये मेदे की पेन है। अगर फॉर एग्जांपल सीवियर क्रशिंग पेन हो कभी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया, और उसके बाद वो कहें कि वो पेन जो है वो एकदम हुई और उसके बाद वो जनाब गर्दन की तरफ और आपके बाजू की तरफ रेडिएट हुई है, तो हमेशा आपने कहना है MI हुआ है, और वो MI की वजह से हुआ, इनफीरियर वाल MI हुआ है। तो अगर इनफीरियर वाल MI, ये देखें ये इनफीरियर पार्ट है, स्पीड ऊपर वाला होता है, इनफीरियर नीचे वाला होता है, तो आपने कहना इनफीरियर। एंजाइना में कभी भी क्रशिंग पेन नहीं होती, एंजाइना में एक काबिले बर्दाश्त पेन होती है, तो एंजाइना में कभी भी क्रशिंग पेन नहीं होती। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आता है कि हां जी जनाब क्रशिंग पेन और वो रेडिएट कर रही है, तो आपने कहना है कि हां जी जनाब इनफीरियर वाल MI है, ठीक हो गया। अब देखें स्टोमिक के हमने कई तरह के इश्यूज पढ़े हैं। अच्छा जी, स्टोमिक अल्सर होता है कि नहीं होता? स्टोमिक अल्सर पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ? गैस्ट्रिक अल्सर पड़ा हुआ है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, ठीक हो गया, तो इसकी इसकी पेन कहाँ होगी?
भाईजान एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का, ये देखें यहाँ पर यार स्टोमिक है, ये जनाब एसिड बार बार इसको तंग कर रहा है, एसिड बार बार इसको तोड़ रहा है, ठीक हो गया, एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि ये जनाब इसकी एसिड स्टोमिक जो लाइंस है वो डैमेज हो जाएंगी, और जब ये स्टोमिक की लाइंस डैमेज हो जाए और उसके बाद एक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं परफोरेशन, तो आपने कहना गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक परफोरेशन। क्या होता है? गैस्ट्रिक परफोरेशन। अच्छा किसी ने सुना कि मैदे का कैंसर भी होता है? हाँ जी मैदे का कैंसर भी होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गैस्ट्रिक कैंसर है तो उसको वो भी तो आ ही सकता है ना, गैस्ट्रिक कैंसर के साथ उसको भी इश्यू हो गया, ठीक है। तो कभी भी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर किसी बंदे को पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते थे? पैंक्रिया टाइटस कहते होते थे। क्या कहते थे? एक तरह का पैंक्रिया टाइटस कहते होते थे। और अगर किसी बंदे को पैंक्रियास का कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक हो गया, तो आप क्या कहोगे कि ये चीज। और अगर किसी बंदे को गैस्ट्राइटस है, मेदे की जितनी भी बीमारियां हमने इसके अंदर लेकर आनी है, गैस्ट्राइटिस है, तो हम क्या कहेंगे कि वो भी जनाब किसके अंदर आएगी, उसकी पेन क्या होगी? एक तरह की एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होगी। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, शाबाश। सबसे पहले आपने कहना पैटर्न तीन आर्गन है, ठीक होगा। सबसे पहले आपने कहना कि एक हार्ट शरीफ है, हार्ट के अंदर आपने बताना है कि जनाब इंफीरियर वाल एमआई हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद आपने बताना है कि हाँ जी जनाब गैस्ट्रिक स्टोमिक आता है, स्टोमिक के अंदर जो बीमारियां आती है आपने कहना गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद आपने कहना कि जनाब गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद आपने कहना कि गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपने कहना कि हाँ जी जनाब आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर आते हैं हम पैंक्रियास की तरफ, पैंक्रियाटाइटिस आपने कहना है, पैंक्रियाटिक कैंसर कह देना, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहां हो गए आपका दो रीजन आपके कवर हो गए। अब हम आते हैं नंबर थर्ड रीजन की तरफ, जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। अब देखें, आपने सुना होगा कि पैंक्रियास के साथ यहां पर एक तरह का एक आर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। क्या होता है? एक तरह का स्प्लीन होता है, ठीक हो गया। तो स्प्लीन जो होता है वो जनाब आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर होता है। तो स्प्लीन, जब भी लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन की बात आएगी तो आपने हमेशा दो बातें अपने माइंड में रखनी है। क्या? एक तो होता है इन्फीरियर लोब का एक तरह का निमोनिया, थर्ड आता होता है आपका एक तरह का स्प्लीन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देखिए इस बार मॉक टेस्ट के अंदर भी था ये एमसीक्यू, इस बार आपके जो मतलब के जब आपका पीएमसी का जो पेपर है उसके अंदर भी ये पूछा गया। तो अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यू किस तरह था। एमसीक्यू इस तरह था कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो जनाब आपके प्रेजेंट करता, उसकी यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के अंदर वो जनाब उसके लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर क्या होता है एक तरह का मतलब के ट्रोमा हुआ है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा होगा जो डैमेज होगा? तो आपने कहना स्प्लीन। और कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि एक तरह का एक्सीडेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है तो आपने कहना स्प्लीन होता है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए कि हाँ जी जनाब जो आपका एक तरह का मतलब कि कॉमन इंजरी होती है ड्राइविंग करते हुए, तो आपने कहा स्प्लीन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें आप मेरे ख्याल में पता चल गई होंगी। कभी भी लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन की बात आएगी तो आपने क्या सोचना है भाईजन? आपने सोचना है भाईजन स्प्लीन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? एक तरह का लेफ्ट लोअर लोब का निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हमने क्या कहा था? ये अम्बिलिकस वाला हिस्सा है, ये आपकी एक तरह का अम्बिलिकस हिस्सा है। अब ये क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन सी इंटेस्टाइन है? हाँ जी जनाब, ये शाबाश, ये बताइएगा जी। स्टोमिक के बाद जो आपकी इंटेस्टाइन शुरू होती है वो कौन सी इंटेस्टाइन शुरू होती है? स्टोमिक के बाद जो आपकी इंटेस्टाइन शुरू होती है वो होती है एक तरह का आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को स्मॉल इंटेस्टाइन का पता मतलब इशू होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब उसको अम्बिलिकल रीजन पर पेन है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब उसको अम्बिलिकल रीजन पर पेन है, ठीक है। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल रीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम ये देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हाँ जी जनाब आपके आर्गन कौन कौन से आते हैं। तो आपने कहना है अम्बिलिकल रीजन के अंदर आपका क्या होता है? एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, नंबर वन। नंबर टू आपने क्या कहना है? आपने कहना है एब्डोमिनल एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यकीन करें ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत, ये हाई यील्ड एमसीक्यूज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एब्डोमिनल एओर्टा का, ठीक हो गया। अब हम अभी इसको देखेंगे कि ये क्या साहब है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि यार किसी बंदे को हमने पढ़ा था, एक होता है पेप्टिक अल्सर, एक होता है ड्यूरिनल अल्सर, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा? जिस बच्चों ने थोड़ी बहुत पैथो पढ़ी होगी उनको पता होगा कि नाम तो सुना होगा ना कि ड्यूरिनम का भी अल्सर होता है। तो आप देखें एक अल्सर कौन सा होता है आपका? ड्यूरिनल अल्सर, ड्यूरिनल अल्सर। तो ये ड्यूरिनल अल्सर कहाँ आ रहा है? और भाईजान आपके ये अम्बिलिकस वाले रीजन पर आ रहा है, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को अम्बिलिकल रीजन का मसला होगा तो आपने क्या कहना है? अच्छा मैं साथ साथ पॉइंट्स लिखता जाऊँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो जो आपने खुराक यहाँ से खाई, ये खुराक आगे जा रही है? शाबाश, मुझे ये बताएं, ये क्या खुराक आगे जा रही है? हाँ जी, खुराक आगे जाएगी? नहीं जाएगी। जब आपकी ये खुराक नहीं जाएगी, इस वजह से पेन हो सकती कि नहीं हो सकती?
पेन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो जब ये पेन होगी तो आपने कहा नंबर वन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, नंबर वन क्या आपका एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये नंबर वन कॉज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर टू हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक हो गया। नंबर टू, एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि अपेंडिक्स जो होती है उसकी पेन इस अम्बिलिकस रीजन से स्टार्ट होती है और यहां पर आती है। कहां से स्टार्ट होती है? आपके अम्बिलिकस रीजन से स्टार्ट होती है और यहां पर आती है। तो आपने कहना है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल अर्ली अपेंडिसाइटिस, इसकी पेन भी अर्ली अपेंडिसाइटिस, नंबर टू। नंबर थर्ड और क्या हो सकता है? नंबर थर्ड आप लोगों ने जो बताना है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, देखें इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि यहां पर जनाब आपका एक तरह का हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट से इस तरह एओर्टा निकलता है कि नहीं निकलता? इस तरह एओर्टा निकलता होता है जी, ये जो एओर्टा निकलता है ये ऐसे नीचे आएगा, इस एओर्टा को हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, क्या होता है एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टा, अम्बिलिकस रीजन पर आकर इसको हम कह देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, मेन इसकी जगह पर होता है, ठीक हो गया। अब ये अगर एब्डोमिनल एओर्टा जो है ये एक तरह का बल्ज बना दे, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, जब ये बल्ज बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, ठीक हो गया जी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एओर्टा रप्चर हो जाए, ठीक हो गया, तो हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा रप्चर हो चुका है, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, फिर हम क्या कहते हैं रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। देखिए क्वेश्चन पता कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, अ पल्सटाइल एब्डोमिनल मास सीन इन द मतलब कि अ पल्सटाइल एब्डोमिनल मास सीन इन द अम्बिलिकल रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, तो वो क्या है आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एओर्टा रप्चर हो जाएगा तो बंदे के ब्लड जो होगा वो सारा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इतना बता दें, शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एओर्टा आपका रप्चर होता है तो जो इससे जो ब्लड होगा वो जना बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब आपका जो ब्लड है वो आपका बाहर निकल गया, जब जैसे आपका ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है, तो अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है कि इसकी वजह से जनाब आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ब्लड जो होगा वो ब्लड के अंदर वेसल के अंदर तो रहा नहीं, जब आपका ब्लड आपके ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहा तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये जनाब आपका ब्लड प्रेशर का हो जाएगा एक तरह का कम हो जाएगा। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के पास बोलता हूँ, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हमेशा हमेशा आपके ओल्ड एज के अंदर होता है, लिख लीजिए, ये हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे लेकिन फिर भी लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। नंबर वन, हमेशा हिस्ट्री के अंदर स्मोकर लाजमी लिखा होता है, ये दो बातें आपने लिखनी है। क्वेश्चन जो आया था सेम टू सेम यूएसएमएलई स्टेप टू सीके के अंदर जो लाइंस हैं उसको फॉलो किया गया था, जब आप अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यूएसएमएलई स्टेप टू सीके के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लिखा और सेम यही जो लाइंस थी उन्होंने कॉपी की थी और हमारे जो पाकिस्तानी पीएमसी वाले थे उन्होंने ये ठोंस दिया था, ठीक है, लेकिन हमने भी काबिले कबूल करना है भाईजान। तो उन्होंने क्या कहा था, क्या 65 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर है, ठीक है, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी फॉर सडन ऑनसेट ऑफ एबडोमिनल एंड बैक पेन, समझ आ रही है, क्योंकि ये बैक पेन की होती है एक तरह की रेडिएट करती। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि जनाब फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ लार्ज पल्सटाइल मास बिहाइंड द अम्बिलिकस। कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए ये बात लिख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए पल्सटाइल एबडोमिनल मास, हमेशा कहना ये एबडोमिनल एओर्टा की बात हो रही है भाई जान, हमेशा आपने ये कहना है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा द पेशेंट बीपी इज 80, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना उसका 80 है, ठीक हो गया। और आपने ये कहा कि इसका डायग्नोस क्या है, तो आपने कहना है भाईजान एक पेशेंट है, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है उसकी जो एज है वो 55 ईयर ओल्ड है, वो जनाब स्मोकर था, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है एक तरह का मतलब के स्मोकर और 55 ईयर ओल्ड जो ये एब्डोमिनल एओर्टा की बात हो रही है, ठीक है, अगर तो ब्लड प्रेशर लो है तो आपने कहना रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, और एब्डोमिनल एओर्टा का जो फर्स्ट लाइन डायग्नोज होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अगर एमसीक्यू इसके अंदर आए कि फर्स्ट लाइन डायग्नोज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एओर्टिक एनोरिज्म, तो आपने कहना अल्ट्रासाउंड, ये भी एमसीक्यू है आपका, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक तरह का अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का क्वेश्चन के अंदर ये आता है कि हाँ जी जनाब बंदे का ब्लड प्रेशर लो, यानी कि मोस्ट इन डेफिनेटिव डायग्नोस, तो आपने कहना है सीटी स्कैन, ये एमसीक्यू है जी,
ठीक है, अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो मॉक टेस्ट निकाल लें, हर मॉक टेस्ट के अंदर तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यकीन करें आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और जब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस करोगे मॉक टेस्ट के, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर होंगे, आपको कवर हो जाएंगे और इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया, क्वेश्चन रिपीट सर प्लीज रिपीट। ओके जी, क्वेश्चन रिपीट मैं कर देता हूँ। देखें क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक 55 ईयर ओल्ड बंदा है जो कि स्मोकर है, ठीक हो गया, उसको जनाब एक तरह का सडन पेन स्टार्ट होती है जो कि जनाब उसकी बैक की तरफ रेडिएट करती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ जी जनाब वहां पर उसका एक तरह का डायग्नोज करने के ऊपर, सॉरी वहां पर पालपेट करने के ऊपर पता चला कि उसका एक तरह का पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास है उसकी अम्बिलिकस के पीछे, पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास बिहाइंड द अम्बिलिकस। तो वो ये पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब व्हाट इज योर डायग्नोज। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये जो हमारा डायग्नोज है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और सडन हुआ है,